अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशों में जुटी है। हालांकि अभी तक यह बात नहीं बन पा रही है। अब इसे लेकर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से ये बातें सुन रहे हैं कि कौन अगला नेता होगा। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब भी लोग ऐसे ही सवाल करते थे, लेकिन ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अहम बात तो ये है कि किसे प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, इसे लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की और उन्हें चाची परकी नेता बताया। सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगी। बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वन मैन शो और टू मैन आर्मी हो गई है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय तक भाजपा के साथ जुड़े रहे और केंद्र में भी रहे, लेकिन 4 साल पहले उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिन्हा 2 बार बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे, लेकिन भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने के बाद दूसरी बार पटना साहिब लोकसभा सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाद में वह कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में चले गए थे, जहां वह फिलहाल आसनसोल सीट से लोकसभा सांसद है। शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी को काबिल नेता मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष का नेतृत्व कौन नेता करेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। टीएमसी सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की, लेकिन कहा कि वह खुद ही प्रधानमंत्री पद की रेस से अलग हो चुके हैं। सिन्हा ने तेजस्वी यादव के बिहार का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बेचारे तेजस्वी को क्या दिक्कत हो सकती है। जो भी लोकप्रिय है वह राजनीति में आगे बढ़ सकता है। शिवसेना विवाद पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अभी खेल शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में न्याय करेगा। नमस्कार, मैं हूँ आरती और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूले।